जी वैसे आपका वेलकम करता हूँ आपके अपने ही चैनल क्रिप्टो न्यूज़ गुरु में, और आज एक नई वीडियो में आपके सामने मैं हाजिर हूँ। और आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लास्ट वीडियो मैंने ऑलमोस्ट बनाई थी 20 दिन पहले, और बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा सा कामों में बिजी हूँ जिसकी वजह से मैं आपको प्रॉपरली टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जितना भी हो सके आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रस्ट वॉलेट के बारे में, और ट्रस्ट वॉलेट में जो है आप का बैकअप कैसे ले सकते हैं। पहले मैं ट्रस्ट वॉलेट को इंस्टॉल करना सीखा, उसकी प्लगइन को डाउनलोड करना सीखा, उसके बाद अपने वॉलेट को ब्राउज़र में इंस्टॉल करना सीखा। तो आज हमने डिस्कस करना है कि अगर हमने उसके फ्रेसिस को दोबारा लेना हो या बैकअप उसका हासिल करना हो तो कैसे करना है, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आपके पास आपके फ्रेसिस नहीं होते, आप कहीं लिख के भूल जाते हैं, या फिर आपने कहीं सेव किए हैं किसी लैपटॉप में तो लैपटॉप की विंडो करप्ट हो जाती है, हार्ड ड्राइव कहीं ख़राब हो जाती है, तो आपके फ्रेसिस ज़ाय होते हैं। अगर आपका अकाउंट स्टिल लॉगिन हो रहा है आपके मोबाइल पे और आप ये चाह रहे हैं कि आपके फ्रेसिस आपके पास दोबारा आ जाएं, और आप उन फ्रेसिस को देख के जो दोबारा अपने अकाउंट को जो सिक्योर कर सकें, तो आपने फ्रेसिस को कैसे हासिल करना अपने ट्रस्ट वॉलेट में से, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें, जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतनी मोटिवेशन मिलेगी। ओके, तो अभी हम सबसे पहले जो है अपना जो है ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं जहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल है। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो के पोर्शन में आए तो एक ही वीडियो मैंने ट्रस्ट वॉलेट की बनाई है, अभी सिर्फ एक ही वीडियो बनाई, वो भी 4 वीक्स अगो, टाइम नहीं था। बाकी बाइनेंस रिलेटेड मैंने काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ, और अभी बाइनेंस की और बहुत सारी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हैं। ओके, तो अब जो है अब हम बात करें ट्रस्ट वॉलेट से रिलेटेड। पहली वीडियो हमने बनाई थी हाउ टू क्रिएट अ ओपन ट्रस्ट वॉलेट 2023 का, ये हमने नई वीडियो थी। आज फिर जो है हम एक और नई वीडियो बना रहे हैं जो है बैकअप कैसे लेते हैं, हाउ टू गेट द बैकअप ऑफ अवर ट्रस्ट वॉलेट। चले जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो, ज़्यादा जो है हम बातों में नहीं डलते। और यहाँ पर देखिए हमारे पास ब्राउज़र है और इस ब्राउज़र में ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल है। यहाँ पर सबसे पहले हमने अपना पासवर्ड इंटर करना है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड इंटर कर दिया, और यहाँ से हम जाके करेंगे अनलॉक। हमने यहाँ पे जाके अनलॉक कर दिया। अब आप यहाँ पे देखिए हमारे पास काफ़ी सारे वॉलेट पहले से शो हो रहे हैं, लेकिन अगर हमने इसी ट्रस्ट वॉलेट का जो है फ्रेसिस लेने हो तो वो कैसे लेने हैं, सिंपल है, कोई इतना मुश्किल का काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सिंपल जो है सेटिंग की ऑप्शन है यहाँ पर आ जाना। जब आप यहाँ पे आएंगे तो सब फर्स्ट आपके पास आ गया नेटवर्क, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड सेट एज अ डिफॉल्ट वॉलेट, फोर्थ नंबर पे शेयर प्रोडक्ट, और फिफ्थ नंबर पे आ रहा है व्यू सीक्रेट फ्रेसिस, व्यू सीक्रेट फ्रेसिस। यहाँ पे आपने जाके क्लिक करना है अगर आपने बैकअप लेना, लेकिन उससे पहले यहाँ पे रीड कर लें, डू नॉट शेयर योर सीक्रेट फ्रेसिस, दीज वर्ड्स कैन बी यूज टू स्टिल ऑल योर फंड्स। आपका सारा फंड चोरी हो सकता है अगर ये जो है कोई और यूज़ करता है, या आप किसी के साथ भी शेयर करते हैं फ्रेसिस, तो और इसीलिए आपने कोशिश करना है कि अपने फ्रेसिस किसी के साथ भी शेयर नहीं करने। खैर मैंने अभी अपना पासवर्ड इंटर करना है, क्योंकि आपका अगर पासवर्ड आपके पास है इंटर करेंगे देन ही आप फ्रेसिस को हासिल कर सकते हैं। पासवर्ड को अप्लाई करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप जब भी पासवर्ड अप्लाई करते हैं आपने अपना अकाउंट लॉगिन करना है, और अगर आपने फ्रेसिस लेने हैं, ट्रांजेक्शन करने हैं, तो सबके लिए आपको अपने पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड इंटर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाके रिवील पे क्लिक करूँगा। मैंने रिवील पे क्लिक कर दिया, और व्यूअर्स यहाँ पे देखें ये मेरे पास फ्रेसिस आ गया, मैंने सिंपल कॉपी किया। अब मैं ओपन करूँगा नोटपैड फाइल, यहाँ पे हम नोटपैड फाइल ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर जाके हमने इसको पेस्ट कर देना। आप फ्रेसिस को पेस्ट करने से पहले अपने वन बाय वन जाके चेक कर लेना, क्योंकि अगर छोटी सी मिस्टेक होगी तो आप के फ्रेसिस काम नहीं करेंगे। मैं वन बाय वन देख लेता हूँ, एग्जिट स्पेशल शॉफ्ट क्वाइट आवर्स एबिलिटी मीन्स स्कैपमेंट, ये देखें यहाँ पे मेरे फ्रेसिस बिल्कुल ओके। अब मैं क्या करूँगा, जब मैंने वीडियो को स्टॉप करना है मैंने इस फाइल को सेव कर लेना, और जब अपने पास सेव कर लूँगा इस फाइल की मैंने मल्टीपल्स कॉपी बना लेनी, एक कॉपी नहीं बनाऊँगा मल्टीपल्स कॉपी बनाऊँगा, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि ये फाइल मेरे लैपटॉप से चली जाती है, या फिर
मेरे लैपटॉप की विंडो क्रैश हो जाती है, मैं क्या करूंगा इसकी मल्टीपल, एक तो मैं इसका प्रिंट करवाऊंगा, सबसे पहले इसका प्रिंट करवाना जरूरी है, प्रिंट करवाऊंगा, दूसरा इसको पर्सनल डायरी में लिखूंगा, तीसरा इसको एक USB लेके उसमें पेस्ट करूंगा ताकि मेरे पास बैकअप की कॉपीज होंगी तो मैं किसी टाइम भी अपने वॉलेट को रिकवर कर पाऊंगा। ठीक है, आपने वन बाय वन कर लिया। दूसरी ऑप्शन आपके पास आई थी डाउनलोड की, एक तो आपने कॉपी करके अपने नोटपैड की फाइल पे सेव कर लिया, दूसरा है ऑप्शन डाउनलोड। अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते सिंपल डाउनलोड करें, इसमें आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी क्योंकि ये भी नोटपैड की फाइल के ऊपर आपके फ्रेशेज होंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने सिंपल इज दैट डाउनलोड पर जाके क्लिक करना है। तो जब हमने डाउनलोड पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर देखें टैक्स आ गया और डेट भी साथ आ रही है। हमने इसको अगर खोलते हैं तो यहाँ पर देखें सेम वही फ्रेशेज हैं जो फ्रेशेज हमने वहाँ से कॉपी किए हैं, और कॉपी करने के बाद हमने जो है नोटपैड की फाइल पे सेव किए। तो आपके ये फ्रेशेज जो हैं आपको तब काम आएंगे जब आपने अपने वॉलेट को रिकवर, रीस्टोर या इम्पोर्ट करना है। और इस फ्रेशेज के अलावा आप अपने वॉलेट को रिकवर, रीस्टोर, इम्पोर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो नोटपैड की फाइल है इसकी आपने मल्टीपल्स भाई कॉपी बना लेनी है, मल्टीपल्स। ये फ्रेशेज आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, दोबारा अपने माइंड में रख लें, इन फ्रेशेज के बगैर आपका अकाउंट ज़ीरो है। अगर आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है और आपका जो है वॉलेट आपसे जो है वो स्किप हो गया, या लेट्स सपोज आपका ब्राउजर स्किप हो गया और आप चाह रहे अपने वॉलेट को दोबारा लेके आए, तो उसके लिए ये फ्रेशेज, ये वाले फ्रेशेज होना ज़रूरी है। और इसमें अगर एक भी गलती होती है, जैसे ये गलती होगी और आप लिखना भूल गए या स्पेलिंग की गलती होगी, तो ये फ्रेशेज आपके कतई तौर पे काम नहीं करेंगे, कतई तौर पे काम नहीं करेंगे। इन चीज़ों को अपने माइंड में रखना, अगर इन चीज़ों को भूलेंगे तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना और आपका काम है इन्फॉर्मेशन देख के अपना ठीक तरीके से वॉलेट को यूज़ करना। उम्मीद है कि आपको प्रॉपरली समझ आ गई। अगर आपको ये समझ आई है तो आप अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक दफ़ा ये ज़रूरी है आपके लिए सब्सक्राइब करना, क्योंकि नहीं करेंगे तो जो मेरी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आई है, जितनी भी वीडियोस हैं आने वाली, उनकी भाई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना, यहाँ पे एक बेल का बटन होता है वहाँ पे जाना, उस बेल के बटन को क्लिक करना, देन ही मेरे जो नोटिफिकेशन होंगे वो आपको टाइमली मिलेंगे। और मेरे इस चैनल पर आके इन सारी वीडियोज़ को, बाइनेंस की सारी वीडियोज़ को देख लें, क्योंकि बाइनेंस से रिलेटेड काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम आती है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जो है अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन लाऊं, और जो लोगों को नहीं समझ आती चीज़ वो भी इनको प्रॉपरली समझाऊं कि भाई आपने इनको इस वेबसाइट को या इस ब्रोकर को या इस एक्सचेंज को कैसे यूज़ करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं समझ नहीं आता डिपॉजिट, विड्रॉल, फाइंड प्राइवेट की में, तो आप मुझे सिंपली कॉमेंट्स कर सकते हैं बिलो दिस वीडियो। मेरी कोशिश होती है कि मैं कॉमर्स को रीड करूं जल्द से जल्द, और जो भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है उसको लाजमी सॉल्व करूं। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं कि भाई आपको आपको मैसेज रीड करूं आपको जवाब ना दूंगा। अगर समटाइम मैं बिजी होऊंगा तो नहीं दूंगा, लेकिन आप कोशिश किया करें 2 से 3 दफ़ा मैसेज मुझे कर दिया करें, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आपका मैसेज बहुत नीचे चला जाता है। तो वह मिलते हैं फिर अपनी कल की एक नई वीडियो में, इंशाल्लाह मैं कंटिन्यूसली वीडियोज़ बनाऊंगा और ट्रस्ट वॉलेट से रिलेटेड हम डिस्कशन अब शुरू कर लेते हैं। ओके, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।